सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडीज को और दबाइए इस घंटे को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट जीरोस आर √5/3 एंड −√5/3। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 और उसके हमें यहाँ पर दो जीरो दिए हुए √5/3 और −√5/3 और हमें इसके बाकी के पूरे जीरोस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इसमें कितने जीरोस हैं, इसके कितने जीरोस हैं। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर है, वो है 4। तो इसके 4 जीरोस होंगे, 4 में से 2 जीरोस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे जो दो जीरोस है, एक्स इज इक्वल टू √5/3 और एक्स इज इक्वल टू −√5/3। इसे हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस √5/3 और इसे हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस √5/3। तो आप देख सकते हैं ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में, जो हमारी आइडेंटिटी है। तो a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है वो एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल को अगर हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसके हम जीरोस फाइंड करेंगे तो हमारे दो जीरोस हमें मिल जाएंगे। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3x⁴ आएगा। हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से यहाँ पर आ जाएगा 3x⁴। तो हम यहाँ पर माइनस 5/3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3x² मल्टीप्लाई माइनस 5/3। यहाँ पर 3 1 और ये 3 1 कट हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा माइनस 5x². तो यहाँ पर हम इसे एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिख देंगे माइनस 5x², ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पर 3x⁴ और 3x⁴ कट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 6x³। तो यहाँ पर माइनस 2x² माइनस 5x² ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 2x² प्लस 5x². तो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, पर आ जाएगा 3x², यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6x³ आ जाएगा। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 6x से, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x³। तो हम माइनस 5/3 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 6x से, तो यहाँ पर हम
सिक्स एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव अपॉन थ्री से, या जाएगा थ्री वन जा थ्री और थ्री टू जा सिक्स, यहाँ पर टू एक्स इंटू माइनस फाइव हो जाएगा माइनस टेन एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टेन एक्स। हम एक्स वाई टर्म के नीचे लिख देंगे माइनस टेन एक्स को भी, यहाँ पर सिक्स एक्स क्यूब और सिक्स एक्स क्यूब कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर टेन एक्स और टेन एक्स कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस फाइव। एक्स स्क्वेयर को अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस थ्री से, तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर हम माइनस फाइव अपॉन थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, यहाँ पर थ्री वन जा और ये थ्री वन जा ये कट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस फाइव। तो यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वेयर और थ्री एक्स स्क्वेयर कट हो जाएगा और यहाँ पर माइनस फाइव और माइनस फाइव कट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा जीरो। तो अब हम जो हमारा क्वेश्चन थे थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री को, इसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से सॉल्व कर लेंगे और इसके जीरोस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से सॉल्व करके इसके जीरोस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड हमने क्लास नाइन में सीखी थी, यहाँ पर हम उसी मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, यहाँ पर हमें सिक्स एक्स को ऐसे दो टर्म्स में डिवाइड करना होता है, स्प्लिट करना होता है, जिसका अगर हम सम करें तो यहाँ पर सिक्स एक्स आए, और इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल टू आए। तो यहाँ पर थ्री प्लस थ्री सिक्स एक्स, सिक्स एक्स होता है, और यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वेयर इंटू थ्री नाइन एक्स स्क्वेयर होता है, और थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स भी नाइन एक्स स्क्वेयर होता है। यहाँ पर इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है थ्री एक्स थ्री एक्स, यहाँ पर अंदर बचा एक्स प्लस वन, और इसमें कॉमन आ जाएगा प्लस थ्री, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा प्लस थ्री, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वन, यहाँ पर थ्री इंटू एक्स हो जाएगा थ्री एक्स, और थ्री इंटू वन हो जाएगा थ्री, और यहाँ पर थ्री एक्स इंटू एक्स हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर थ्री एक्स इंटू वन हो जाएगा थ्री एक्स, यहाँ पर ये आ जाएगा थ्री एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स प्लस वन। ये हमारे दो जीरोस, अभी हम इसके जीरो फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और ये आ जाएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इस थ्री को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन थ्री, ये थ्री यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में था तो ये थ्री यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ये थ्री वन जा थ्री और ये थ्री वन जा थ्री, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। और यहाँ पर हम इस प्लस वन को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो हमारे जो दो जीरो है वो आ जाएंगे माइनस वन और माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन और माइनस वन हमारे वो दो जीरोज हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल्स के। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है।